कश्मीर को लेकर भारत से ऐसी आवाज उठी जिससे पाकिस्तान को खौफ में डाल दिया है। खास बात यह है कि इस आवाज को पाकिस्तान की जनता भी पसंद कर रही है। ये आवाज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की है। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ में सोशल मीडिया डायलॉग कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी और यूपी कैबिनेट के कई मंत्री भी मौजूद रहे। इस मौके पर बोलते हुए योगी आदित्यनाथ ने जो कहा वो पाकिस्तान को टेंशन में डालने वाला है। सीएम योगी ने पाक अधिकृत कश्मीर यानी पीओके का जिक्र करते हुए कहा कि अब वहां से आवाज उठ रही है कि हमें फिर से भारत के अंदर लाने का काम करो। सीएम योगी ने आगे कहा कि दुनिया को आतंकवाद की भट्टी में झोंकने वाला आज एक एक रोटी के लिए तरस रहा है। 5 किलो आटे के पैकेट के लिए छीना झपटी हो रही है। सीएम योगी ने कहा कि भारत की जो सबसे उपजाऊ जमीन थी वो पाकिस्तान के हिस्से में गई, लेकिन भारत से दुश्मनी में पड़ोसी मुल्क ऐसा अंधा हुआ कि उससे कुछ संभल नहीं रहा है। भारत आज दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है, जबकि पाकिस्तान दरिद्रता की नई नई सीढ़ियां चढ़ रहा है। भारत समृद्धि की सीढ़ियां चढ़ रहा है, जबकि पाकिस्तान नर्क के गर्त में गिरता जा रहा है। सीएम योगी ने जो कहा वो सच ही है। आज पाकिस्तान में जनता रोटी के लिए तरस रही है, आटे के लिए लोग कतार लगा रहे हैं। पाकिस्तान की बदहाली का हाल वहाँ की जनता ही बता रही है। पाकिस्तान के YouTube चैनल पर वहाँ की जनता अपने ही शासकों को कोस रही है। लोग बता रहे हैं कि आटा नहीं मिल रहा है, आटे के लिए रोज रोज लाइन लगानी पड़ती है।